बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। हमने इसको होटल स्टाइल बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और झटपट बन के तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको ज़रूर बनाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, इसको आप नान, रोटी, राइस और पराठे के साथ खाकर एंजॉय करें। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम मैंने ये पनीर लिया है, इसको इस तरह से पीस में काट लिया है धोकर। कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें पनीर को सेलो फ्राई करेंगे। पनीर मैंने सारा डाल दिया है और अब हम इसे सेलो फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब तक ये ऊपर से हल्का सा गोल्ड ना हो जाए तब तक हमें इसे ऑयल में फ्राई करना है। और देखिए, ये सेलो फ्राई होने लग गया है। इस तरीके का हमें कलर करना है दूसरी साइड से, तो हम इसको पलट देंगे। सेलो फ्राई हो गया है और अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में। हमें इसे ज़्यादा नहीं करना है फ्राई, क्योंकि ये टाइट हो जाता है, इसलिए हल्का ही करना है। पनीर हमने सारा प्लेट में निकाल लिया है। कढ़ाई हमने वही इस्तेमाल करी है जिसमें हमने पनीर को सेलो फ्राई किया था। तो इसमें ऑयल था और हमने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है, तो इसमें मैं हींग डालूंगी थोड़ा सा चुटकी भर, और एक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें, और इसको कलर होने चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे प्याज को। इधर हमने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना लिया है। इसे मैंने 2 टमाटर डाले हैं, 4 हरी मिर्च डाली है और अदरक का टुकड़ा डाला है। और प्याज भी हमारी फ्राई हो गई है, तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर हमें जब तक इसमें पकाने हैं जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे, और ऑयल छोड़ देगा उसके बाद हम मसाले डालेंगे इसमें। टमाटर ने साइड से ऑयल छोड़ दिया है, इसमें हम मसाले डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मैंने आधा चम्मच डाला है। लाल मिर्च डाली है मैंने इसमें, अपने टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाली है इसलिए थोड़ी कम डाली है। और हल्दी पाउडर डाला है 1/4। गरम मसाला डाला है आधे चम्मच। एक भर के मैंने हरा धनिया का पाउडर डाला है इसमें, और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगी जिससे मसाले जले ना, और इन्हें अच्छे से कुक करेंगे हम मसालों को। मसाले हमारे ऑयल छोड़ देंगे, तब तक हमें इन्हें पकाना है। मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे और मसाले इस पर कोट कर देंगे। पाँच मिनट इसे मसालों के साथ इसी तरह से कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। मैंने आधी कटोरी इसमें पानी ऐड किया है और इसे 5 मिनट हम फिर से कुक करेंगे। पालक को हमने उबाल के इस तरह से पेस्ट बना लिया है इसका। 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, अब हम इसमें पालक डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी। अब हमें इसे 5 मिनट कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए, अब हम इसमें ताजी फ्रेश मलाई डाल देंगे और इसको फिर से 5 मिनट हम कुक करेंगे। फ्रेंड्स, मलाई डालने से इसमें टेस्ट और भी बढ़ जाता है पालक पनीर में। बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के हमारी तैयार होगी, इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो 5 मिनट इसे पकाते हैं। पालक पनीर बन के हमारा रेडी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।